नगर झरिया के अलग अलग क्षेत्रों में समाधान टीम द्वारा छाता से सोशल डिस्टेंस करने के लिए लोगों को सिखाया गया। इस वैश्विक महामारी कोविड-19 से बचाव के लिए इस तरह के जागरूकता अभियान समाधान टीम द्वारा निरंतर किया जाता है। आज झरिया स्थित चिल्ड्रेन पार्क सब्जी मंडी में लोगों को ठेले वाले दुकानदारों को छाता देकर खरीदारों से अपील किया गया कि छाता लेकर ही खरीदारी करें और आगे से अपने घर से स्वयं छाता लेकर ही निकले। इससे लोगों को इस गर्मी के मौसम से धूप से बचाव के साथ साथ कोरोना वायरस से सोशल डिस्टेंस बनाकर बचाया जा सकता है। यहां तक कि राशन दुकानदारों को भी छाता देकर उन्हें बताया है कि जो भी ग्राहक खरीदारी करने के लिए आए उन्हें छाता देकर ही लाइन लगाकर सोशल डिस्टेंस सिखाया जाए। लोगों ने भी महसूस किया कि छाता के माध्यम से स्वयं सोशल डिस्टेंस का पालन हो जाता है। इसके प्रति अन्य लोगों को भी अपने सगे संबंधियों को भी जरूर जागरूक करें और उन्हें खतरनाक वायरस कोविड-19 से बचाएं। आज के इस जागरूकता कार्यक्रम में समाधान के संस्थापक श्रीमान चंदन सिंह समेत बिट्टू सिंह, रविन्द्र वर्मा, उत्तम सिन्हा, अशोक ठाकुर, रवि कुमार आदि मौजूद रहे। नई दिल्ली से चलकर एसी स्पेशल ट्रेन गुरुवार की सुबह धनबाद स्टेशन पहुंची। स्टेशन पर 118 यात्री मिले। यहां यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के तहत बाहर निकाला गया। स्टेशन परिसर के बाहर जिला प्रशासन ने गाड़ियों की व्यवस्था की थी, जिससे दिल्ली से लौटे यात्री घर की ओर रवाना हुए। इससे पहले उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग भी की गई। यात्रियों के नाम, पते, मोबाइल नंबर व अन्य जानकारियां भी दर्ज किए गए। ट्रेन के पहुंचने के बाद सभी यात्री सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ट्रेन में सवार होकर हावड़ा के लिए निकल गए। बता दें कि नई दिल्ली से चलकर हावड़ा को जाने वाली ट्रेन संख्या 02302 नई दिल्ली हावड़ा एसी स्पेशल ट्रेन सुबह करीब 6:35 में धनबाद पहुंची थी। रेलवे द्वारा 15 स्पेशल ट्रेनों को चलाने की घोषणा की गई है। कोरोना को लेकर जारी लॉकडाउन में रेलवे की ओर से नई दिल्ली से हावड़ा जाने वाली पहली स्पेशल ट्रेन है। धनबाद स्टेशन के बाहर मौजूद सामान उठाने वाले कुलियों ने भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया और कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए एहतियात बरता। यहाँ आने के बाद कैसा अनुभव हो रहा है? इतने दिनों बाद ट्रेन खुली, ट्रेन से आप सफर करके आए हैं? बहुत फंसे हुए थे। बहुत बहुत फंसे हुए थे 2 महीने। क्या नाम आपका? सुप्रिया। सुप्रिया, 15 डेज पूरे के लॉकडाउन के अंतर्गत, और इस दौरान वहाँ तो ऐसे कुछ किस तरह का दिक्कत नहीं था, बट आप कहीं निकल नहीं सकते हैं। और अभी हम लोग को अपने घर आके बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ घर हुआ आपका? हमारा घर देवघर है। अच्छा। और हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं क्योंकि हमारी फैमिली साथ में थी, तो थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर हो जाता है कि अगर ऑफिस भी खुलता है तो आप ऑफिस नहीं जा सकते क्योंकि बच्चे हैं, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए अभी हम लोग घर चले आए हैं तो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं अपने राज्य, अपने देश, अपने मतलब अपने सिटी में आके। वहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही थी लॉकडाउन के दौरान? कोई दिक्कत नहीं था क्योंकि हम लोग का एरिया जो था वो ग्रीन जोन में था। दिल्ली के अंदर भी शाहपुरजट में हम लोग रहते थे, वो भी ग्रीन जोन में था, वहाँ कोई भी केस नहीं था। और वहाँ पर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक मार्केट ओपन थी, जो भी चीज़ जरूरी सामान के लिए दुकानें खुलती हैं, और किसी तरह का वहाँ दिक्कत नहीं। यात्रा में किसी प्रकार की कोई कठिनाई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं था, बहुत अच्छा था। अच्छा, नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन है। अच्छा, देवघर जा रहे हैं ना? जी। जमशेदपुर के मांगो उलीरी थाना अंतर्गत मून सिटी के समीप सनकी सौतेले बाप ने अपनी 5 वर्षीय बेटी को पीट पीट कर मार डाला और मारने के बाद फरार हो गया। इस संबंध में बताया जाता है कि बच्चे की मां अपने पति को छोड़ अपनी प्रेमी के साथ रह रही थी। आज किसी भी बात को लेकर उसने सौतेले बेटी को पीट पीट कर मार डाला। पुलिस आरोपी की खोजबीन में जुटी। बालीगुमा न्यू ग्रीन सिटी क्षेत्र का बात है, खड़िया बस्ती के बगल में है। अच्छा। ये लड़की यहाँ 1.5 घंटे से आके यहाँ बैठी हुई थी। इसके गोद में एक बच्चा था और बगल में एक बच्चा बैठा था। गोद में जो बच्चा था वो मृत हालत में था और तीनों ही जख्मी थे। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत मारा पीटा है। अच्छा। अभी जब पूछा गया तो पता चला कि ये लड़की का हस्बैंड उसको सबको मारा है, बच्चा को भी मारा है और बच्चा की मृत्यु हो गई है। अच्छा। और वो बच्चा उससे छीन ना ले इस डर से वो भागते भागते यहाँ आके बैठी है। किसी तरह से वो अपने बच्चे को उस आदमी से बचाना चाह रही थी। अच्छा, ये भाग के आई थी? हाँ, ये भाग के आई थी। ये रहना है, इनका रहना होता है ग्रीन सिटी के पास में? नहीं नहीं, ये मून सिटी के बगल में। मून सिटी के पास? हाँ, मून सिटी उधर है। वो भागते भागते यहाँ आई है कि किसी तरह से अपना बच्चा को बचा ले, लेकिन बच्चा को चोट लगता है, ज़्यादा लग गया है और मर गया है, इसीलिए वो दुखित भी है। लड़की को पिछले 2-3 साल से मैं जानती हूँ क्योंकि ये 2 साल पहले भी मेरे पास मदद के लिए आई थी। उस समय भी इसका बच्चे को मारना पीटता था और बच्चे को मार देने की धमकी देता था। मैं देखी तो पहचान गई कि वही बच्ची है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स में काम नहीं करती है।
दुकान दुकान में काम करती है और अपने खट के ही दोनों बच्चों को पालती है पोसती है। यक्कड़ पति लोग दारू पी के मारता है किसका ठीक है। आपका परिचय मैम? मैं प्रीति सिन्हा, भाजपा नेत्री प्रीति सिन्हा हूँ। लॉकडाउन के दौरान जमशेदपुर के एनजीएम अस्पताल में कई क्षेत्रों से मरीजों का आवागमन लगा हुआ है। अधिकांश मरीजों के परिजनों को रहने तथा खाने पीने में काफी परेशानी होती है। ऐसे जरूरतमंद लोगों को आज बेहतर सेवा प्रदान करने हेतु रोटी बैंक के सदस्यों ने भोजन उपलब्ध कराया। रोटी बैंक जमशेदपुर में एकमात्र ऐसी संस्था है जो भूखे लोगों तक पहुँच कर उन्हें भोजन मुहैया कराती है। संस्था के सदस्यों की जितनी प्रशंसा की जाए वह कम ही होगी। संस्था के चेयरमैन मनोज मिश्रा ने 5 वर्ष पूर्व इस रोटी बैंक की शुरुआत की और लगातार अपनी सेवा प्रदान करने में लगे हैं। जमशेदपुर से जीटीएन के लिए एसके शर्मा की रिपोर्ट। मुहिम है कब से प्रारंभ हुई है और आपके साथ किन लोगों का सहयोग बना हुआ है? ये मुहिम तो हम लोगों का एमजीएम अस्पताल और एमटीएमएच कैंसर अस्पताल और शहर के तमाम फूड पार्क जो हैं यहाँ पर ये मुहिम हमारा करीब 5 वर्षों से चल रहा है रोटी बैंक का। और लॉकडाउन को लेकर के हम लोग ज़्यादा ही सक्रिय हो गए हैं और ज़्यादा जगह हम लोगों अपना इस अभियान को आगे बढ़ाए हैं। इस क्रम में देखा जाए तो अभी हम लोग करीब करीब 4 से 5 हज़ार लोगों को डेली खाना खिला पा रहे हैं और हमारे साथ में बहुत सारे मेंबर्स हैं जो समर्पित भाव से सेवा देते हैं। कुछ लोग यहाँ पर भी हैं और करीब करीब 12 जगह लंगर चलता है जहाँ अलग अलग लोगों को लगाया गया है अपने काम लोग करते समर्पित भाव से निस्वार्थ भाव से। तो यहाँ भी कुछ लोग हैं जो आप सामने देख रहे हैं। तो यहाँ प्रतिदिन जो आपकी सेवाएं लगती हैं हाँ प्रतिदिन, तो इसमें एक ही तरह का भोजन उपलब्ध होता है? नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि भोजन में चावल पूड़ी सब्जी दाल पापड़ के साथ साथ हलवा कभी खीर कभी कुछ मिठाइयाँ भी रहती हैं। आज हम लोग खीर दे रहे हैं जी, जी। तो आपके जो सहयोगी हैं उनके नाम मैं जानना चाहूँगा जी। इसमें एक कविता देसाई जी हैं, हर्षा टी हर्षा जी हैं, मानव राय चौधरी जी हैं, संजय देसाई जी हैं, लिपिका पॉल जी हैं, मीता दीदी हैं, राकेश जैन जी हैं, विकास सिंघानिया जी हैं और बीना दवे जी हैं और सलावत महतो जी हैं। ऐसे कई लोग और बहुत सारे लोग, धर्मेंद्र साहू जी हैं, हर लोग आते हैं और सेवा देते रहते हैं। चलिए धन्यवाद। कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम के मद्देनजर घोषित लॉकडाउन में सरकार द्वारा आम जनता की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। पोटका प्रखंड में दाल भात केंद्र के उद्घाटन के मौके पर माननीय विधायक श्री संजीव सरदार ने कहा कि राज्य सरकार इस दुख की घड़ी में जनता के साथ खड़ी है। लॉकडाउन में कोई भूखा ना रहे इसी को लेकर दाल भात केंद्र का उद्घाटन किया गया है। कोरोना संक्रमण के चेन को रोकने हेतु किए गए लॉकडाउन के कारण गरीबों का रोजगार बुरी तरह बाधित हुआ है। ऐसे में क्षेत्र में गरीबों को भूखा न रहना पड़े इसके लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है। सरकार द्वारा राशन कार्ड धारकों को अतिरिक्त अनाज दिया जा रहा है, साथ ही दर्जनों गाँव में दीदी किचन के माध्यम से गरीब के बीच खाना परोसा जा रहा है। उन्होंने कहा कोटका प्रखंड के मुख्य चौक में 5 दाल भात केंद्र का आज उद्घाटन हुआ है। इस केंद्र में प्रतिदिन 200 लोगों को भात दाल एवं सब्जी स्वयं सहायता समूह के दीदियों द्वारा जिला प्रशासन की देखरेख में खिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में सरकार जनता के साथ खड़ी है और किसी प्रकार की भी समस्या पर ग्रामीण उनसे संपर्क करें, समस्या का हर संभव समाधान का प्रयास होगा। गौरतलब है कि विधायक कोटका की अनुशंसा पर झारखंड सरकार के खाद्य सामग्री वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा कोटका के कोवाली देवली चौक कालिकापुर नारवा मार्केट एवं आसन बने निःशुल्क विशेष दाल भात केंद्र खोलने की अनुमति प्रदान की। अवसर पर कोटका प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री कपिल कुमार, जिला परिषद सदस्य हीरामणि मुर्मू, कोवाली थाना प्रभारी शत्रुघ्न पासवान समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। राज्य के केंद्रीय शहर रांची में लॉकडाउन के कारण आर्थिक तंगी का मार झेल रही अपनी दवा लेने में असमर्थ एक वृद्धा को वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में अध्यक्ष शशि रंजन प्रसाद सिंह के निर्देश पर आज संस्था के कोषाध्यक्ष चिरंजीव कुमार मंडल ने एक माह का दवा उपलब्ध कराया। मौके पर संस्था के अध्यक्ष शशि रंजन प्रसाद सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि रांची के एक वृद्धा जो नैरो प्रॉब्लम से पीड़ित है उन्हें रोजाना दवा खानी पड़ती है। उन्होंने बताया कि दवा नहीं मिल पाने के कारण एबनॉर्मल जैसे व्यवहार करने लगती है। ऐसे असमर्थ महिला को संस्था की तरफ से दवा उपलब्ध कराया गया। पतरातू वेलफेयर सोसाइटी से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इस COVID-19 के महामारी को हम लोग एकजुटता होकर लड़ सकते हैं और इस लड़ाई में हमारी संस्था की तरफ से गरीब परिवार को अनाज का वितरण किया गया। साथ का साथ अगर कोई भी गरीब है जिसको दवा की जरूरत है और दवा नहीं मिल पा रही है तो हम लोग से कांटेक्ट करेंगे, हम लोग उसको हर संभव प्रयास करेंगे। मेरे संस्था का कांटेक्ट नंबर से
प्लीज कॉन्टेक्ट करें, हम लोग हर संभव उनको प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं चिरंजीव कुमार एज ए ट्रेजरर ऑफ पतरातू वेलफेयर सोसाइटी। अभी एक नीडी लेडी हैं श्रीमती मालती देवी जी, उनको मेडिसिन का बहुत जरूरी था और मिल नहीं पा रहा था, उपलब्ध नहीं पा रहा था पैसे का, आर्थिक तंगी के कारण। हमारे सोसाइटी की तरफ से उन्हें मेडिसिन के रूप में हेल्प किया गया है और अभी मैं वो करके मैं उनको दे रहा हूँ। आप वो उनके मुंह से भी सुन बताएंगे। अब आप जो है ना केवल बोल दीजिए कि हमको पतरातू वेलफेयर सोसाइटी की ओर से, आप बोलेंगे? हाँ बोलिए। हाँ तो बोलिए कि हमें हेल्प किया गया, ये उनके को ट्रेजरर, हम ट्रेजरर हैं, ट्रेजरर चिरंजीव कुमार मंडल जी आए, हमें चिरंजीव कुमार मंडल नाम है, उनकी ओर से हमें दवाई का अच्छा रिकॉर्डिंग भी करना है, ये बोलना है। अरे क्या एक बार फिर से बोलिए ना, बोलिए ना कि हमको मदद किया गया, हमको जरूरत था इसका, अभी घर में आर्थिक तंगी के कारण, जिसे हमको आर्थिक कमी के कारण अपना मंडल जी किए, चिरंजीवी कुमार मंडल जी हम लोग को हेल्प किए, दवा हुआ दिलवाए, थोड़ा आर्थिक हम लोग का मदद भी हुआ, दवा हम लोग को दिवाए, दवा देते वक्त फोटो खींचेगा। अच्छा ठीक है, हो गया, दवाई देते वक्त।